सी देखिए, अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले जब ट्रेलर एस्केप लाइफ का मैंने देखा तो अनडाउटेडली ही इज़ अ वंडरफुल क्रिएटर एंड विजनरी डायरेक्टर आई वुड से। तो एसकेटी सिद्धार्थ कुमार तिवारी इज़ लाइक आई फील दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड यू नो सच अ पॉलिश्ड डायरेक्टर आई वुड से, बिकॉज हिज विजन एंड द वे ही इज़ इन्वॉल्व इन द राइटिंग एंड एवरीथिंग इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग है, बिकॉज आफ्टर मेकिंग सच ह्यूज शोज लाइक महाभारत एंड ऑल दैट, यू नो उस लेवल पे पोरस एंड ऑल दीज थिंग्स, सो मैंने कहा कि जब वैन दे आर कमिंग ऑन द OTT थिंग देन अनडाउटेडली इट मस्ट बी लाइक वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सो ऑफकोर्स द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट अप्रिशिएटिंग द फर्स्ट लुक ऑफ एस्केप लाइफ एंड इट्स वेरी इंट्रीग एंड आई एम एक्चुअली ऑन टोज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट एंड आई डेफिनेटली डू द बिंज वॉचिंग। Sorry, come again. Yeah. I feel that I'm very lucky and I feel that I'm so blessed, you know, that I worked with Swastik and now the another sister concern, another wing of them, I would say, is, you know, One Life Studio. तो सबसे बड़ी बात अगर कहूँ तो आप देखिए कि जितने भी कलाकार हैं, मतलब या फिर मुंबई शहर कोई भी जब अपने घरों से आता है, दूसरे अलग अलग देश विदेश से अब तो लोग आते हैं, तो सर से सीने में सिनेमा होता है, ट से टिकने के लिए टीवी कर लिया और व से अभी वक्त है वेब का। सो दे आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क इवन ऑन वेब, और ये वक्त वेब का है, डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा हो चुका है, सो ह्यूज, और इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट भी है ओवरऑल एस्केप लाइफ का अगर आपने देखा होगा तो यही है कि सोशल नेटवर्किंग डिजिटल वर्ल्ड पे आज पूरी दुनिया है, और कहीं ना कहीं आप और हम सभी लोग आज इस डिजिटल वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उस पर हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग उस इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं, इनफैक्ट जो सुनैना का कैरेक्टर है या फिर डाकी का है, तो कहीं ना कहीं सब तरीके के लोग हम लोगों को दिखते हैं आज यू नो सोशल नेटवर्किंग पे। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली ऑडियंस वुड वॉच दिस शो एंड दे वुड लव इट फॉर श्योर। देखिए ट से टीवी टिकने के लिए है, सबके दिलों में होता सिनेमा ही है, अब सिनेमा की जगह जो है वो वक्त ऐसा हो गया है कि वो वेब ने ले लिया। सो फिलहाल टीवी से एक छोटा सा एक ब्रेक मैंने लिया है एंड वेरी सून सच अ ह्यूज शो इज कमिंग ऑन OTT, वेरी सून आई विल जस्ट डिक्लेयर द नेम ऑल्सो दैट्स कमिंग, और एक फिल्म भी आ रही है, सो सम मोर गुड थिंग्स आर इन पाइपलाइन एंड OTT के आने के बाद कलाकारों के पास काम की कमी नहीं है and touchwood I feel that I'm blessed। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखिए आप लोग दुआ करते रहिए, छोटे पर्दे पे आपने देखा है, अब उसके बाद बड़े पर्दे पे भी देखिएगा। आई रियली नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। Who always love me and give me a peck on always, seat. Always, yeah? Have to. Hi, how are you? So, huh? It was good? Mujhe kuch nahi. Hi. I'm going to take a quick photo and then I'll have to rush in. I will do a sound check. Oh, shit, okay, quickly, let's do it. I'm acting in it, yes. Hi. Oh, it was phenomenal, yeah. It was just amazing to see a show that you've actually worked on coming to life. So it was a very exhilarating feeling. And just to see all the stories coming together, this cast, the scale of the show, and how it's coming on Hotstar, very excited. So the story is about youngsters and what they are doing in their life right now with the TikTok and Instagram reels and videos and just posting stuff and all that stuff. So the story is about that. उसके बारे में कहानी है और पूरे देश की कहानी है, because it's actually spread across 5 cities. So it's a full wholesome show and very excited for people to watch it. Yeah. Oh, it was phenomenal. I had all my scenes with Siddharth, who is somewhere, and it was one of the best acting experiences of my life. He is one of the most fabulous people that I've had
the opportunity to work with, and I wish everyone ek baar Siddharth ke saath kaam karna chahiye aapko. Would you like to share any of your memories off-screen? One of my greatest memories was to see Siddharth Kumar Tiwari and Siddharth jamming together as a director and an actor. और क्योंकि मैं हर सीन में था सिद्धार्थ के साथ, तो मुझे इन दोनों को साथ में देखने का मौका यहाँ से मिलता था. मैं ऐसे रहता था और देखता था, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, ये सिद्धार्थ. और फिर वो जो जाके हम लोग सब साथ में कुछ करते थे ना, सुपर्ब, इट वाज फिनोमिनल, आई लव्ड इट. द बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज देयर्स अ बाथरूम सीन ऑफ माइन where which is my favorite scene. I will not tell you wo scene mein kya hota hai kyunki isme ek raaz khulta hai, par wo scene bahut badhiya tha. Jab wo aayega aap dekhna zarur. Main bahut rota hu us scene mein. Raaz. They're very excited. My wife absolutely loved it. She is really looking forward to seeing the show. She had actually, maine apna 40th birthday is show ke set pe manaya tha. To meri wife aur meri ek friend बॉम्बे से आए थे उमरगांव, और मेरा 40th बर्थडे मैंने कास्ट एंड क्रू के 9-10 लोगों के साथ साथ में मनाया था अपने रूम में. सो इट वाज, इट्स अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी. एस्केप लाइव स्टार्ट स्ट्रीमिंग इन 2 hours. एंजॉय, एस्केप एंड हैव अ ब्लास्ट. थैंक यू वेरी मच. दिस इज आलेख संगल, आई प्ले बलदेव. चीयर्स. थैंक यू, थैंक यू. इट वॉज, अगर एक वर्ड में कहेंगे तो मेस्मराइज. लाइक इट वॉज लाइक कि ऐसी चीज, वॉट ही हैज क्रिएटेड इज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड पीपल अराउंड एवरीवन अराउंड द कॉर्नर लुक्स कि हाँ हमें यहाँ जाना है, ये कॉम्पिटिशन जीतना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एवरी थिंग, पीपल आर लाइक कि सोशल मीडिया पर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो हु कैन बी अ ट्रेंड. तो इट्स वेरी रिलेटेबल एंड कनेक्टिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर कि हाँ हम भी यहाँ जा सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ्स गोइंग ऑन, सस्पेंस, एवरी थिंग. So for me, it wasn't something new for me, but the stunts and everything was new for me, of course. But because since I'm a teenager and we see all the TikTok trends and everything, which we also do, the transition reels and everything, but at the same time, this is very different from that. It's not ki what you do and what they are doing over there. So it's a competition out there, basically. So it's very different. My character hasn't worked with him. I play as Dev. With Siddharth sir? So he's firstly gem of a person. He knows what he's doing. Like उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकलवानी है, किस एक्टर से कैसे निकलवानी है. And his visualization skills are on point. लाइक कि दी कोरियोग्राफी एंड एवरी थिंग इज, वो कहते हैं ना कि मंझे हुए खिलाड़ी के साथ काम करने में मज़ा आता है, तो ये वही बात है. एक बार दुनिया में हर कलाकार को इनके साथ काम करना ज़रूरी है. एंड इट्स लाइक कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग, देयर इज सीक्वेंस ऑफ माइंड, आई वॉज वॉकिंग एंड ही इज़ लाइक क्या कर रही है, तेरा मोटिवेशन बॉन्ड कहाँ है. एंड आई वॉज लाइक शिट डूड, दिस इज अमेजिंग. एंड इट वॉज लाइक कि हाँ ये चीज़ है. एंड एट द सेम टाइम the small things which he says na ki ha yahan pe ye cheez honi chahiye, waisa hona chahiye, although he takes suggestion of each and every artist, that's not like ki har ek director ya har ek jan nahi karta aisa. And it was like ki wo sabka suggestion le rahe, he is rehearsing, he is taking advices from us actors. That makes it very huge, like for us actors who always wanted to work with him. So it's really amazing. And my character, I'm playing Dev. So the moment I got this script, I was like, okay, fine.
And my dad was sitting over there. While I was making this audition, my dad was sitting over there. And I was like, Papa, you will have to give cues. We will give it. What's in that? And I was giving. And I gave this first take. And he's like, yes, send this to you. I said, Papa, I have to see you. No, I have seen you. You have performed in my eyes. So, send this to you. And I was like, okay, I'm going to send it. And the next day afterward, after when I sent my take, I got selected for the part. And I was like, I'm very thankful to my dad. And I'm very much attached to my dad. And my character is also attached to my dad. And in real life also, I have an elder brother. And in the series also, I'm having an elder brother. So the character is very, very connecting to me. And I could relate with the character. Yeah. Message. Keep supporting, keep loving, and see you on Amazon Prime's Hostel Day Season 3. After this. Thank you. Aap kuch puchenge? Question puchenge? Directly main keh dun. I'll directly say. So, always seeing Sharad sir on screen as a big macho man, ki like, haan, aise punch maarna hai, villain udke chala jata hai. So, but now working with him over here, it was a very, very different and very nice experience. Unhone kafi kuch sikhaya, and literally I was sitting down when he was sitting on the chair and I was listening to him. And aisa lag raha tha ki sahi mein koi aapko sikha raha hai, acting sikha raha hai, although sikhai nahi ja sakti ye cheez, but his experiences make us understand what this art is. And mujhe aisa lagta tha, to be honest, ki he's very, ekdam aise dar ke rehna chahiye unke samne, but he's a very jolly person, and जैसे वो दिखाते हैं ऑन स्क्रीन कॉमिक टाइमिंग वैसे रियल लाइफ में उनका कॉमिक टाइमिंग वैसे ही है. एंड अगर रोहित के बारे में कहूँ, हु इज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर, वर्किंग विथ हिम वाज अमेजिंग. लाइक वी रिहर्स्ड आवर सीन्स एंड इट वाज वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज हैपन इन माई रियल लाइफ ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज शूटिंग. सो आई वॉज वेरी इमोशनल, आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ. सो दैट हेल्प मी, ऑल्दो ड्यू टू माई we actors use certain techniques that helped me. And Shweta Tripathi, so it's like ki aapne unko har jagah dekha hai, ye series mein yahan dekha hai, wahan dekha hai. And it was like ki wo hota hai na, when I saw for the first time in Mirzapur and other series, I was like ki ha, inke sath kaam karna hai. And so I believe in manifestation and the art of what we say, that book 365 Secret of Life. So I manifested that and I was like ki hanke sath kaam karna. And the moment I saw her on the set, I was like ki, and our sequences together, and it was very great. She's very sweet, she's very humble and polite. And I went inside her vanity, we had lots of random chit chats and everything. And she is so natural in her acting ki aapko pata nahi chalega wo acting kar rahi hai ya wo baat kar rahi hai. So, yeah, that's about Shweta, and the rest aap toh dekhi lenge. Baki, it's gonna be live soon in 2 hours. Escape Live is gonna be live. Thank you. So, coincidentally, my character's name is Kunali, and he's the CTO of the app. Escape Live, which is our app, I'm CTO. CTO means the Chief Technical Officer. And बेसिकली जब भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो हैंडल करने का काम मेरा है. सो मैंने हमेशा टीवी किया हुआ था. टीवी और वेब का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, और इतनी रीडिंग्स हुई थी हमारी जो आज तक मैंने कभी नहीं की थी. इतना प्रेपरेशन किया था. जो हमारे डायरेक्टर है सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी, उन्होंने इतने पैशन से ये शो बनाया है और इतनी मेहनत की और हमसे भी मेहनत कराई है. तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था. मुझे याद है जब हम शूट पे पहुंचते थे तो हमेशा पहले एक दिन पहले स्टेजिंग होता था कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आएगा, क्या करेगा. तो ये सब बहुत ही नया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना. टीवी आई एम नॉट वेरी श्योर नाउ, क्योंकि अभी वेब में काम करने के बाद इतना मज़ा आ गया है. तो आई डोंट नो वेदर आई वॉन्ट टू रियली गो बैक टू टीवी, but yes, definitely I would like to do more web shows, and because of my tennis, which also takes up a lot of time, so I don't know if I can really do TV right now.
सो जैसा कि सबने देखा है टेनिस प्रीमियर लीग में बड़े बड़े स्टार्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सोनाली बेंद्रे जी है, रकुल प्रीत है, अदिति राव हैदरी, लियांडर पेस की टीम है, तो इंडिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो सब ये लीग में खेलते हैं। इस बार हमने ठाना है कि जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 100 इन द वर्ल्ड, उनको इस लीग में खिलाना है, तो लीग डेफिनेटली इस साल और बड़ा होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच एस्केप लाइफ। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू कनेक्ट विद द शो बिकॉज इट्स अ वेरी रिलेटेबल सब्जेक्ट एंड हाउ सोशल मीडिया इज ड्राइविंग पीपल क्रेजी, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट एंड रिलेट टू इट समवेयर। थैंक यू सो मच। मतलब जो रेगुलर सीरीज या जो भी सोशल ड्रामा वैसा चल रहा है उसके अंदर एक मुझे तो क्या, मैं तो इसका पार्ट हूँ, तो लोगों को यूनिक लग रहा है क्योंकि आज जो टाइम चल रहा है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आर यू कंटेंट क्रिएटर कम वॉच, तो उसकी कहानी है, आपको इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं इसके अंदर, मज़ा आएगा। और शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही गजब रहा मेरा सिद्धार्थ सर के साथ, मतलब बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते डांस जो प्ले कर रही है, तो एक कहानी का पार्ट है वो, जब आप देखेंगे तब पता चलेगा, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है उस बच्ची ने, मैं भी इसमें एक किरदार कर रहा हूँ, एक पार्ट कर रहा हूँ, तो परफॉर्म करके मज़ा आया क्योंकि इतनी अच्छी लिखी हुई थी, इतने अच्छे से वेल मतलब कंपोज डायरेक्ट और सब कुछ, एंड शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत गजब, अमेजिंग, बेस्ट। ये शो ज़रूर देखिए क्योंकि आज के टाइम का शो है और आज सोसाइटी में या सोशल मीडिया में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो जिस तरीके से लोग एक भगदड़ भेड़ चाल और एक पता नहीं किस दौड़ में शामिल हैं उसके ऊपर शो है, तो आपको मज़ा आएगा, उसकी हकीकत आपको पता चलेगी कि क्या है, सच्चाई से रूबरू होंगे और इसका रिपरकशन क्या होता है वो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एस्केप लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अब आ गई है वेब सीरीज़ की बारी, कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ कुमार तिवारी। सो द ट्रेलर इज़ अमेजिंग एंड इट्स एग्जैक्टली जो मैं उम्मीद कर रही थी, बिकॉज सिद्धार्थ जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, उनके माइथो शोज़ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, और जितना समय लेकर उन्होंने इस सीरीज़ को बनाया है आई थिंक उससे एस्केप कर पाना मुश्किल होगा। And people will love it because the trailer is mind-blowing. And I'm 100% sure I can write it down right now. Paper pen le aaiye. It's gonna be a big time hit. भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर है का जो स्टोरी लाइन है वो हर हफ्ते चेंज होता है, तो ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें कंटिन्यूटी बहुत कम रहती है, हर हफ्ते एक नई स्टोरी आती है, हर हफ्ते कॉमेडी का तड़का होता है, हर हफ्ते मस्ती होती है, और आई एम ग्लैड कि रूसा मेरा कैरेक्टर आप लोग पसंद कर रहे हैं, बस थोड़ा और ज़्यादा नज़र आऊँ मैं, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से ये भी होने वाला है। सो ट्रैक तो बहुत सारे हैं, स्टोरीज हमारी शूट होती हैं, बैंक रहती हैं, तो मैं कोई एग्जैक्टली एक ट्रैक आपको नहीं बता पाऊँगी,
You guys have to keep track. So keep watching Bhavi Ji Garpar and Happu Ki Ultan Paltan only on Ant TV. 10 o'clock and 10:30 p.m. every day. Thank you so very much. I would say that this is the labor of love of my brothers, Siddharth, Rahul, Ritesh, Gayatri, everybody involved with Swastik and One Life Productions. And 3 years lage in logon ko ye project ko shoot karke public tak lane mein. Aur is time puri India mein jo sabse zyada buzz hai wo isi cheez ka hai, Escape Life. Actually, Siddharth is family for us, for me, my wife, everybody. Siddharth, Rahul, ये लोग हमारे लिए घर के सदस्य जैसे हैं और हम इनके लिए. अब Escape Life में honestly, I know the story, I know the characters also. मेरे लायक कोई role नहीं है. जो मेरी personality है या जिस category में मैं आता हूँ, actually कोई भी character मेरी personality से मिलता जुलता नहीं है. Otherwise, I know these guys, ये सबसे पहले मुझे बुलाएंगे. और मुझसे तो पूछते भी नहीं है कि तू करेगा या नहीं करेगा, डेट्स हैं या नहीं है, पैसे क्या लेगा क्या, ये सब बातें हमारे साथ नहीं होती. हमें बोला जाता है तुम ये कर रहे हो, कभी अगर गलती से हम पूछ लें क्या स्टोरी है क्या है, तो डांट पड़ जाती है उधर. ये हाल है. अभी क्या है कि OTT पर कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन वो लोग भी बोलने से मना करते हैं अभी, तो कुछ बोल नहीं सकते. बट आई एम शूटिंग समथिंग फॉर दी OTT राइट नाउ. और इनके जो दो शोज हैं राधा कृष्ण और जय कन्हैया लाल के, वो दोनों तो कर ही रहा हूँ. सॉरी टू ऑल माई फैंस, प्लीज 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 वॉच Escape Life एट लीस्ट वंस, एंड इफ यू लाइक इट वॉच इट ट्वाइस ऑल्सो. और बिंज वॉचिंग करना, मजा सिर्फ बिंज वॉचिंग में ही आएगा. थैंक यू. मुझे हम लोग जो बनाने निकले थे, यू नो, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके बाद जब उसको विजुअल में देखते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है. ये बहुत ही टफ शूट था हमारे लिए. हम कोविड के बीच में भी थे, यू नो, तो हमारी शूट बहुत डिले भी हुई, कैंसिल भी हुई, बट इवेंचुअली हम लोगों ने इसको अचीव किया. आज इसका लॉन्च है, मैं बहुत खुश हूँ. सिद्धार्थ मेरा भाई, वो डायरेक्टर है इसका, सो मैं प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हम लोग. तो स्वास्थ्य के लिए, वन लाइफ स्टूडियोज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो या अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं, आई थिंक ये नेचुरल प्रोग्रेशन है. टीवी शोज तो हम कर ही रहे हैं, वो हमारा ब्रेड एंड बटर है. हम लोग टीवी से बड़े हुए हैं, पर आई थिंक ये नेचुरल प्रोग्रेशन है टू गेट इनटू द OTT वर्ल्ड, टू गेट इनटू द फिल्म वर्ल्ड. हम पहले से भी वही सोचते थे और थैंकफुली ये हमारा पहला स्टेप है और ये बहुत अच्छा होने वाला है हम सबके लिए. यही है. हाँ जी, हाँ जी, हमारे बहुत सारे सीरीज़ अभी पाइपलाइन पे हैं. एक तो शूट पे भी है, कुछ रीजनल फिल्म हम लोग कर रहे हैं, वो भी शूट कर रहे हैं. तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है. आई थिंक इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स वील बी हैविंग अ रियली गुड टाइम विथ वन लाइफ एंड स्वास्थ्य. या सो द मैसेज इज वेरी सिंपल. थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस एट ऑल टाइम्स. आई थिंक यू नो फ्रॉम अ डिजिटल सीरीज प्रोग्रेशन, Escape Life इज अबाउट सोशल मीडिया. वी ऑल आर वेरी इंक्लाइंड ऑन सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम. You should also see the bright side and the dark side of social media. So that's what Escape is all about. So just go out there and watch it. Thank you. Thank you so much.
I think it is very different. It is something which is very relevant in today's world. And the drama seems to be extremely exciting, because when I saw it, I really wanted to watch the entire thing. So I'm really looking forward to see it. Sorry? Yeah. So come in as in to work in the social. I'm actually doing a web series already. Yeah. Not now. Yeah, that is one of them. And one music video, jiska trailer aaj hi launch hua hai. Yeah. Yeah, it's a music video with Shweta Tiwari ma'am, and it's looking nice. Let's see how people like it. I would say that Escape Live, guys, please watch it. It's by master creative director Siddharth Kumar Tiwari, and it's going to be another masterpiece. So I'm looking forward to watch it, and please you guys also watch it. Thank you. Hello. Thank you. Very good. I was. I have seen it earlier also. So it was very good, very satisfying. Something fresh, something new. Pardon me. Haan ji. When I was contacted to be on this project, it really excited me, because it is something very fresh which I have never been a part of. So it is something very, the narrative, everything, the situations were very new and very contemporary. Yeah, it is actions of some different type. It is not a vendetta action where we see hero and villain fighting, because there are people, they don't come face to face physically. But they are in touch, they can see each other on the phones or on the social media. So there is a competition, there is a somewhere hidden fights going on, but never they are never face to face this thing. That is something new concept. I think I loved all the parts. It is very difficult to say, but I enjoyed it. It is very nice, and wish them all the best. Yeah, I think change is the law of nature now. Social media is there, so I think we have to use it very sensibly, because people are very understanding, they know, and it is how we use it that is the main crux. Thank you. Hi. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन ऑडियंस देखकर आपको बता रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं इसका हिस्सा हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी यूनिक. और मेरे अभी मैं बाजीराव कर रहा हूँ Z5 के लिए और ZTV के लिए, तो मेरे को एक्टर्स से उन्होंने भी कहा कि यार ऐसा ट्रेलर हमने कहीं नहीं देखा है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे वेरिएशंस. मेरी बनारस की स्टोरी है, जैसलमेर की स्टोरी है, दिल्ली की है, बैंगलोर की है, और इसके ऑफिस का एक अलग से चंग चल रहा है. तो ये काफ़ी यूनिक है, एंड आई एम श्योर कि आज 12 बजे का बेसब्री से इंतज़ार था, और मैं भी 2 साल से लगा हुआ था. और जैसे कि यू नो, आखिरी दिन था मेरे शूट का, मैं और सिद्धार्थ कुमार तिवारी हम लोग बात करें, सर 2 साल चले गए ना. इसके डी वॉज लाइक हाई यार 2.5 साल चले गए. मैं बोला सर आई नो आधा साल आपका लिखने में गया था, लेकिन उतना ही प्रिपरेशन के लिए मैंने, श्वेता त्रिपाठी ने, शरद सक्सेना ने काफ़ी मेहनत की है, और मेरे साथ इतने अच्छे एक्टर्स थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है. या तो आपको अभी सच में जानना है या 12 बजे का इंतज़ार है? सच में जानना है. तो यू नो इट्स वेरी यूनिक. तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ही बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे पास पूरा दिन कम पड़ जाएगा अगर मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा. तो इट्स वेरी यूनिक, यू नो. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, SKT सर ने मुझे ब्रीफ दिया कि रोहित ऐसा प्ले करोगे, बोला हाँ सर क्यों नहीं, मैं तो ढल जाऊंगा इस कैरेक्टर में. तो यू नो इट्स वेरी यूनिक.
तो ये ऐसी स्टोरी है राजकुमार की, जो कि बड़ा सिंपल सा लड़का है, बैंक में आता है जाता है यू नो, और फिर बीच में से श्वेता त्रिपाठी मिलती है और उसको एक अपना सच बताना होता है यू नो, तो कुछ बैरियर्स है शो में, जबकि जैसे ही श्वेता को पता चलता है, मतलब सुनैना को पता चलता है, तब हम लोग मतलब रियल ऑडियंस को भी पता चलता है, दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर। एंड सेकेंड बैरियर ये है कि बैंक के कॉलिग्स उनको पता चलता है, तीसरा पापा को पता चलता है, इतने वेरिएशन हैं मेरी स्टोरी में, और जो आखिरी में जो एस्केप की अंदर की ऑडियंस है उनको पता चलता है, और वो सबसे बड़ा रिएक्शन होता है उन लोगों के लिए कि यार ये इंसान राजकुमार ऐसे कैसे हो सकता है यू नो, ये हमारी सोसाइटी पर दाग है, ऐसा है वैसा है। मैं बस इतना ही बोलूँगा और इसको सस्पेंस ही रखते आप लोग भी देखिए, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि एक गाड़ी होती है जिसकी 180 सीसी की गाड़ी होती है और उसकी हाई स्पीड होती है 150 तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना उस 150 की स्पीड तक पहुंच चुका हूँ एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। मुझे लगता है इसके ऊपर मैं जा ही नहीं पाऊँगा अगले 3-4 साल का, अगर मैं लेवल बता दूँ अपना कि ये ना मेरा इतना लेवल है, मैक्सिमम मैंने झोंक दिया इसके अंदर। एंड इवन इफ़ यू सी द वेब सीरीज, एक एक डिटेल में हमने काम किया है। सो राजकुमार इज़ लाइक यू नो, अभी एक वर्ड तो हमने काम किया यू नो, जैसे कि मैं बोल भी देता हूँ, राजकुमार इज एज वेल एज मीना कुमारी यू नो, राजकुमार इज एज वेल एज मीना कुमारी। तो मीना कुमारी प्ले करना डिफ़िकल्ट था, पर उस यू नो कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेकिंग इट लुक ईजी इज़ द डिफ़िकल्ट जॉब और मेकिंग इट लुक डिफ़िकल्ट इज़ ईजी जॉब। तो इन दोनों की जर्नी जो इतनी ईजी दिख रही है ना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मी, क्योंकि यू नो एक वर्ड हमने चूज़ किया था कि राजकुमार के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं अर्धनारेश्वर, जो कि आपको विजुअल्स में पता चलेगा कि वाई दिस अर्धनारेश्वर इज़ राजकुमार। और बनारस के बहुत अच्छे से विजुअल्स है, एक सिटी बनारस की एक ऐसी सिटी है जो अपने आप में ही एक वेरिएशन लाती है, और इन दोनों कैरेक्टर्स के वेरिएशन काफ़ी मज़ेदार रहेंगे। हाउ आर यू? देखिए बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है आपको, सारे कैरेक्टर्स अमेजिंग है, डाकी, आमचा मुंबई, आमचा स्पाइडर, डांस रानी, फेटिश गर्ल, श्वेता और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दी है। देखिए और हमें बताइए कैसा लगा। यू नो मैं हम लोग सिद्धार्थ कुमार तिवारी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए और हम आपको दिखाए, यू नो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स इट। मैं सबके पास रहता हूँ। आउटस्टैंडिंग, आई थिंक वो पब्लिक बताएगी। सिद्धार्थ इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर टू। मेरे चल रहे हैं 2 शोज चल रहे हैं, अभी स्वास्तिक का भी एक आने वाला है, तो आई होप कि जल्दी हो जाए जो भी हो। थैंक यू, थैंक यू। Very good, how are you? Hello, how are you? So nice to see you. So hello ma'am, first of all, I'm watching the trailer. I'm very excited to see the series, like I can't wait for it to premiere and I'm sure I'm going to binge watch it. Swastik is home for me. I would love to do be it OTT or a series with them, as in a serial with them again, because I have worked with Swastik for so many years now that I would love it. See, as of now obviously there are too many talks, but it's like till the time nothing gets confirmed, there's no point of talking about it, but I'm sure soon you will be able to hear. Thank you so much, and today I'm here for this Escape Live premiere, and I'm sure you guys are going to like it, watch it. Thank you. Thank you.
I was like, wow, what a grandeur, what a show. और मुझे वही लगता है कि a good production house और एक आपका good medium अगर आपको मिल जाता है, दोनों अगर combine हो जाते हैं तो I think you can produce the best of the shows and I think this will be I think the next rocking show for Disney Hotstar. I think it's the next step after the serials. मतलब serial से आप अगर graduate होना चाहते हैं, you want to do something better than serials. I think this is one of the platforms where OTT comes into picture. और OTT से भी अगर आप graduate होना चाहते हैं, तो then it comes into films. So this is one medium in which I think TV वालों को, film वालों को, सबको एक जगह पर मिलाने का अगर कोई medium है इस वक्त जहाँ पर आप सब लोग एक साथ में काम कर सकते हो, क्योंकि TV में वो चीज़ possible नहीं होती थी, unless and until they're promoting something. The films are promoting something, but now out here everybody comes as a cast, they work together and they give a good product. I think that is something OTT. There are, so I can't tell anything right now, but there are. Just wait for a little while, I'm just coming back. Main janta hu ki is baar thoda sa lamba hua hai wait, I think probably it's like 7-8 months now. लेकिन अब जो भी आएगा वो अच्छा आएगा, पहले बेहतर था, बेहतरीन आएगा. थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग. थैंक यू. ऑफ कोर्स. हां जी. जी, तो मेरे किरदार का नाम है, मतलब एस्केप पे जैसे उसे प्यार से लोग बुलाते हैं, आमचा स्पाइडर. मेरे किरदार का नाम है नीलेश सोनावने और वो असल्फा चौल का रहने वाला एक बच्चा है. अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, मराठी फैमिली से बिलोंग करता है और एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, वही काउंटर पे जो काम करते हैं बिलिंग का वो सब. पर उसका ये मानना है लाइफ में कि यू नो वो जिस सिचुएशन में पैदा हुआ है वो उसकी गलती नहीं है, पर इसके आगे वो क्या करता है अपनी लाइफ के साथ वो उसके कंट्रोल में. तो वो अपनी लाइफ को यू नो बेस्ट बनाना चाहता है एक तरीके से, अपनी फैमिली को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है. तो उसी के वही यू नो द बिलीफ इन हिमसेल्फ, जो उसमें खुद में बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, एक एनर्जी है उसमें कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा. तो दैट इज़ आमचा, दैट इज़ नीलेश. और ये ऐप एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है जिसमें पता चलता है कि ये कंपटीशन जीतने से पैसे मिलेंगे. तो ये ऐप में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, शो में देखेंगे. राइट. Oh, they're super happy. In fact, I am a Bombay boy. तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया था जब मुझे पता चला कि you know this character is from Bombay. तो of course हमने काफ़ी discussions किए, मैंने सिद्धार्थ सर ने जो director हैं, कि क्या tone होगा, क्या dressing style होगा, visually कैसा दिखेगा character. So yeah, it's been a fun journey. My parents are very happy, my friends are very happy, और they're very excited to see me doing action. So yeah. I am forever grateful for all the love and support that you guys give me. I'm here because of you guys, so thank you so much for all the love and I hope you guys enjoy the show. Thank you. Thank you. Thank you. It's kick-ass and I think OTT, kisi cheez ka bhi debut itself is very special and it's their OTT debut. They are very popular in making shows with, you know, they like to study about a subject before making a show, and with such fabulous star cast, the entire team, I'm sure ki kuch bahut amazing banaya hai and I'm very very excited. I have been a part of their production, so I know ki wo log apne kaam mein kitna zyada apne efforts and
यू नो एक प्री स्टडी होती है जो वो लोग बहुत करते हैं, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम, एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट विद देम, एंजॉय विद देम, फॉर देम, विद देम. सो या आई विश देम ऑल द बेस्ट. मज़ा आ रहा है एक्चुअली मुझे वो तो अलबेला करने में. आई लव टीवी ऑब्वियसली. ओटीटी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बट माय फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज टीवी, एंड द स्टारकास्ट इज़ वेरी नाइस. आई एम एंजॉयिंग माय वर्क, आई एम एंजॉयिंग माय कैरेक्टर. कुछ ऐसा है जो हमने बहुत मैंने पहले से नहीं किया है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. मज़ा आ रहा है काम करने में, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है. नया ट्विस्ट आने वाला है कि अंजलि वापस आने वाली है. लोगों को लग रहा था कि मैं कहाँ चली गई हूँ, बट आई एम गोना कम बैक, आई एम गोना मेक अ कम बैक. से थैंक यू, थैंक यू. Looks very, very interesting, man. And actually, I didn't figure out what it actually is, so I'm excited for the screening. Siddharth is one of my favorite actors. Plenty. I'm shooting for a film right now. I can't talk about it. I start shooting for season 3 of City of Dreams very soon. And then there is another web show that I might be shooting abroad. Okay? Thank you very much. Thank you very much for waiting for my projects. A lot of things coming this year. Thank you. I've just come to wish my friends, and I've got great things about the show, so that's all I'd like to say. My reaction is a great show, and my friend is right here. जी भाई कैसे? हाँ जी, लुक चेंज कैसा लग रहा है? थैंक यू.
my reaction after watching or making the trailer? I'm very happy that the response we've got for the trailer is very exciting. That makes us even more excited about this challenge of telling this story, right? So, very, very humbled by the response we've got so far. I think from here on, tonight onwards, I think it's more about the world to see what we've done. So, really looking forward to seeing the reactions of people and, you know, whether people are actually getting what I'm trying to say or I'm telling it the right way. But I've done my best so far. So, yeah, excited. Completely different world, it's a completely different medium, it's a completely different way of writing it, making it, every aspect is different. The audience is, this is more about telling a story to myself than telling a story to my family. That's a very big difference that I feel, that it's more about the whole family viewing in television, and this is more individual viewing is what I've tried to tell the story, and this is more about me as to like who I am and the kind of stories I would like to watch. So yeah. No, I don't think I can make a choice that, for example, Sumedh wants to work with me or not. I would love to cast him for the role. But if he is not excited to play that role, I don't think we will do it that well. So I have always wanted my actors to choose whether they want to work with me or not. And it should be the writing, it should be the script, because relationships are different. It's more about, you know, how can we add value to each other's life. It's a very collaborative process. So for me, it's very important that my actors are equally excited about the role that they want to play. I think the COVID time has been not easy for anybody. So it's not been easy for us as well. So it's the same for everybody. The best part is that we've held it through. We've kept our focus. We've kept our, through all the issues, we still believed in telling the story right. So I think those are the pluses. It also gave me more time to hone the script even more. So that was it. That's the way I looked at it. There are lots of best and worst, but I first want my my boy to speak a little bit. For all of us, it's been a very exciting journey. We've really pushed ourselves to the limit, to the best that we could do. That's what we've tried with the series. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yes, yes. I think so. The character is very unpredictable. बहुत ही अलग character है. Highly energetic. I don't think so कि इतनी energy, इतना energetic character आज तक मैंने कभी play किया है. And yes, it's completely different character. Yeah, मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ. It's a big day. I don't understand. I'm seeing so many with people here. It is pretty challenging. It was, as I said, the biggest challenge I've ever had in my life. So, yeah, I tried my best. I don't know how it happened, what happened exactly. मैं आज देखूँगा. मैंने भी episode नहीं देखा है. So I myself will watch it. But yes, I gave my best. That's all I know. It was a very challenging character. I couldn't work with a lot of characters that you are exactly talking about, but yes, I interacted with them, and I really felt good. You know, बहुत senior लोग हैं, बहुत उनमें सीख हैं जो हमें मिलती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला life में. And again, Ritwik हो, Rohit हो, you know, all these wonderful people, Plavita, Adya, वो छोटी सी बच्ची जो वहाँ खड़ी है, वो बहुत बड़ा धमाका है. आप उसको काम करते हुए देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा. She's amazing. Yes, thank you so much for all your love. I've given my best. Today is the day. We'll get to know what really happens after this. Thank you so much for that. Set ki yaad dila di tum logo. Ha. Hello guys. Well, I believe we know about this since, you know, it was being planned. Rahul is a good friend, so, you know, he took us through everything, and it sounded really brilliant. But when we saw the trailer, we thought it is much more better than what we'd heard. So, you know, looking forward to it, and
very exciting and very nice, something different. All the characters what he had discussed also, you know, they have come out very nice. So we are looking forward to it. Pura dekha nahi hai abhi tak, but abhi dekhenge. Haan. नहीं बहुत सारे हैं अभी हाल ही में अभी अर्थ रिलीज हो रही है उसके ट्रेलर्स आ गए उसमें भी कुछ किया है मैंने बट या और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अनाउंसमेंट्स होंगे तो आई एम श्योर अभी मैं शूट करके आई वाज इन JNK तो यही उसी की याद आ गई अभी मैंने बोला अभी जस्ट उतारा ही है और ये वापस सामने देखते हैं वेल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जैसे आपने पूछा कि वो क्या आ रहा है आपका तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बहुत कुछ आ रहा है लेकिन फिलहाल ये ज़रूर देखें ये दमदार है एस्केप लाइफ प्लीज़ देखिए एंड एंजॉय कीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यहाँ पे रुकना है क्या लेगा नीचे से ऊपर वही है Right. Hello. My experience was amazing. I learned a lot. I played a mother, which I am not in the real life. So the little girl who just left Adya, she plays my daughter, and I learned so much, so many things about being a mother, which I think have made me a better artist. My experience with my co-actors was beautiful. My co-actor Jai Hind, he recites beautiful ghazals and poetry. My co-actor Jagjeet Sandhu is such a naughty chap, naughty fellow. My co-actress Adya is so talented. She is a non-stop powerhouse. Breshna, I have fallen in love with. She's not here. I'm gonna miss her. She's in Germany. That's about my co-actors, and then, yeah, that's it. Who else? Hello. Oh, hello. How's it going? Very well already. Anything Where's Naz? Okay. My message to people who want to see more of me, take care of yourself. I'm taking care of myself. I'll be doing a lot of creative work, you have to be ready to watch it. So let's be ready for a life full of surprises. Thank you. Welcome. I think trailer देखके पता चलता है कि एक नए space thriller genre को एक नए जगह पर लेके जा रहे हैं इस शो के साथ. जो apps की दुनिया है ये आज की दुनिया है और आज जितने young लोग हैं चाहे young उतने ना भी हो सबके पास फ़ोन होते हैं फ़ोन के अंदर ऐप्स होते हैं ज़िंदगी इससे बंधी हुई है और आज तक इस पर कोई थ्रिलर नहीं बना है और ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि कुछ नया भी है और ऐसा भी कुछ है जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं थैंक यू पता नहीं यार क्यों मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा आपको नहीं नहीं कुछ सरप्राइज है आ रहे आ रहे करेंगे कुछ पता है थोड़ा वेट थैंक यू सो मच थैंक यू ऐसा लग रहा है कि पुरानी बात हो गई अभी एक घंटे में शो आने वाला है तो काफ़ी बटरफ्लाईज सी हो रही हैं आई रियली होप लोग देखें बिकॉज नॉट बिकॉज हमने बनाया मतलब वो तो है ही रीज़न देखने का बट इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर मैं जो भी चुनती हूँ वो मैं अपने लिए चुनती हूँ और आपके लिए चुनती हूँ सो जस्ट हैव दैट ट्रस्ट इन मी कि दिस इज समथिंग दैट यू गाइज विल इंजॉय आई प्रोमिस यू दैट मेरा कैरेक्टर मतलब वही ना किसी का खून मुझे नहीं करना था वेल यू नो और ना ही कोई मेरे पीछे आ रहा था सो आई रियली एंजॉयड बी हैप्पी एंड दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग फॉर मी वो तो अभी पता चलेगा माय मदर इज ऑलरेडी अप माय पेरेंट्स आर वेटिंग माय फैमिली इज वेटिंग कि जैसे ही 12 बजेंगे वो एस्केप लाइफ चालू करेंगे
वन मैसेज टू एवरीबॉडी इज कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाओ, मज़े करो, हंसो गाओ, जो भी करना है करो, बट वो करो जो तुम्हें करना है. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और का प्रेशर लो. सो जस्ट इन्जॉय एंड लेट्स लिव दिस वन लाइफ. थैंक यू. Hello. Thank you. It's very, very exciting, and I'm glad. I've always been a big fan of Siddharth Tiwari, and big fan of the way he tells stories, and he's told some fantastic stories on television. Mahabharata is one of the most renowned shows in the world, and you should actually go Google it, check it out. It's one of the most acclaimed shows in many, many ways. There was a time that I had read it, I'd said that snapshot to Siddharth as well. And I saw the trailer, and one can clearly see his genius in the project. And I'm really excited to see it. Yes, there are, but I can't talk about them right now, not as yet. Hints, there is something exciting happening, and you should know about it in some time, you know, hopefully a fortnight or something like that. Just thank you very much. You guys have been sending us unconditional blessings, both me and Sargun, and the results of that are there for the world to see and for us to experience. Just keep showering these blessings on us always. Thank you. हाँ जी, बाइट किसको बाइट करना है, क्या करना है? हेलो, नहीं, ट्रेलर तो फैंटास्टिक था, और जब हम बना रहे थे तो लग रहा था कि कुछ बहुत ही खास चीज बन रही है, लेकिन जब ट्रेलर देखा तो बाकी शूटिंग में हम थे नहीं, तो ट्रेलर देखने के बाद फिर उसका स्केल ही पता, बहुत ही अलग स्केल बना है, बहुत अच्छा बना है, और हमको पता था बन रहा है अच्छा. जब बन रही थी तो हम समझ आ रहा था कि भाई किस लेवल का बन रहा है. मैं सिर्फ एक स्टेट में था, और वो महाराष्ट्र स्टेट और गुजरात स्टेट, दो स्टेट में था मैं. गुजरात में हमारी उमरगांव में शूटिंग हुई थी, और मेन एक्चुअली मेरी शूटिंग वहीं हुई थी, बिकॉज हम ऑफिस की शूटिंग में थे और बाकी लोग अलग अलग लोकेशन थे. तो हमारा जो मेन जो एस्केप लाइफ का जो हब, वो उमरगांव में गुजरात में वहाँ पे बेस करो, वहीं शूटिंग थी. नहीं, एक्चुअली कुछ बहुत हेक्टिक शूटिंग थी एक्चुअली, बिकॉज हमने सोचा था इतना दिन का होगा, लेकिन बहुत बढ़ गया, और फिर बाद में कोविड, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम, डेटों का प्रॉब्लम, तो कई चीज़ें शिफ्ट होती गई. एंड बट शूटिंग के वक्त तो इट वॉज लाइक कोई 14 घंटे शूटिंग हो रही है. लंच टाइम मिलता था थोड़ा बातचीत करने का, खाना खाने का, उस वक्त मज़ा आता था, बिकॉज वो एक घर का खाना कोई लेके आता था, एंड दैट वाज द ओनली टाइम विच वाज, बट इट वाज प्रीटी हेक्टिक शूटिंग, फनी नहीं. हमारा मेरा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है, तो इट वाज नॉट अ फनी सीरीज एट ऑल. तो नहीं, फन तो ठीक है, वो तो जैसे मौका होता है तो मस्ती करते रहते हैं, बट इसमें उतना मौका था नहीं, तो इट वॉज वेरी सीरियस थिंग. बट इट वॉज लवली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो हैं वो एक इज़ अ टैलेंट टू लुक फॉरवर्ड टू, एक नया टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट, और आई विश आगे भी काम करेंगे उनके साथ, बट लाइक आई रियली विश, इट्स रियली गुड सीरीज.
बहुत अच्छी सोच से लिखा गया है और उसको एग्जीक्यूट किया गया है एंड लाइक वेल रिटन वेल डायरेक्टेड वेल प्रोड्यूस्ड तो ये कॉम्बिनेशन कम मिलते हैं सो इट्स अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट या अरे मैसेज कहाँ हो मैसेंजर लोग देते हैं हम लोग मैसेंजर कहाँ हैं यार कुछ नहीं देखिए बहुत मेहनत करके लोग ये बनाते हैं ताकि ऑडियंस इसको अप्रिशिएट कर सके हाँ कभी कभी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जो आपको लगती है लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग ने अब तक कितने साल हो गए मुझे एंड 37 ईयर्स और अब तक जो भी मैंने काम किया है 80% तो लोगों को पसंद ही आया है तो आई जस्ट थैंक यू आपने चाहा पसंद किया और अब तक मैं एज एन एक्टर जिंदा हूँ तो थैंक यू वेरी मच एंड सब साथ में रहें जुड़े रहें प्यार मोहब्बत से रहें अच्छी चीज़ें बनाएं अच्छे मैसेजेस दें तो यही मेरी एक चाहत है थैंक यू I'm really thrilled and I'm very excited. The reaction from people has been phenomenal. It's a content that people can relate to. It's so current, it's so today. More so now, I think after our lockdown and after the pandemic, we've developed such an intense relationship with social media. So I think every one of you guys and everybody watching will be able to relate to this. It was not only interesting, it was a lot of fun. It was a woman wearing pants in a man's world. So I got to boss everybody around, including Sir. So it was good fun being Gia Bose, being a very strong-headed woman, knowing what she wants, knowing how to go and get it. All in all, good fun. Actually, the web space is a great space. I do have my Crackdown Season 2 that is also in the lineup for release. I've got some other work as well for release this year, but for now, I can only tell you that we are coming with Crackdown Season 2. It was loved. Season 1 was really loved. My character, Garima Kalra, was given a lot of love. So, yeah, looking forward to Season 2. Yes, please, please, at the stroke of midnight, do watch and do send a lot of love and a lot of diamonds. Thank you. And it's been a great experience working. I hope everybody who's watching the show really enjoys it. Sunai de rahe? So I hope everybody enjoys this show. We worked really hard as the music team. Have a great time watching us. Thank you. This show has so many different stories, so we actually didn't know what was going on with all the other stories. So watching the trailer is out of interest to us because it's a different part of our story. Yes. Not exactly the same, but one of the characters, one of the main characters is involved with the household that we live in. Yes. So for me, it was very racy. I really liked it and I'm looking forward to watching the other stories because we are part yes. of one story, yeah. like he said. And of course, we know what we did in the we know what episode. We did, yeah. You don't know. We're just fine. So we are waiting for the other episodes to unravel. But it was nice, working with Aditi for the first time. And likewise. We had a really good time. I did talk about this earlier. It's interesting for me because I'm also being a father now and having to deal with a son in that and have to deal with things that happen to a child in the family, I think was really interesting. Aditi has older kids and I have a much younger one, but still I think she could probably understand that much better. Well, it was very interesting because firstly, it's the first time I'm working with Hotstar. So it was a great experience and first time with Ashwin and with our with director, Siddharth and, Siddharth Tiwari, right? It was my first time. So it was a great experience overall and the story was very, very interesting. It took a lot to enact a few scenes out of me because it was very close to heart in the sense because of what happens, which you all will see and know.
तो देखते हैं क्या रिस्पांस आता है. Yeah, I mean, it turns. I mean, the story goes from here to here, and like turns roller coaster up and down from emotions, and turns pretty dark for us as well. So yeah, we can't say exactly what that is. Sorry. But I hope you enjoy the show. I think everybody has put in a lot of work, and I think because of the pandemic and before, the whole making of the show has taken a long time. But I think after seeing the trailer as well, you can see the amount of effort that has been put into it. So I just hope that everyone really, really enjoys it. Yeah. Press the like button and subscribe. No, fine, as is, you know. We really enjoyed doing it. Yeah. Thank you so much. Thank you. What's up? I'm just going to watch the show. Trailer? Yeah. Fab. Siddharth is a fab maker. I've done work with him and I love him. Rahul and Siddharth both, and I'm so happy for them. Yeah. Yeah, I'm doing couple. You'll see me this year. Meri, aaj raat ko hum Siddharth ki baat karte ho, Rahul ki baat karte ho. I'm so happy for Siddharth that he's done this, and main apni baat next time karunga jab main apne show ki launch ke liye aaunga. Please watch this show. I'm sure it's a fab show, and Siddharth is a fab maker, and it's. I'm waiting to watch it. Thank you. It was like wow, and pehli web series hai aur bahut hi excited hu. I'm just waiting whenever kab andar jaao aur dekho, bas I'm already late right now. Already shuru ho chuka hai, review shuru ho chuka hai, to main bahut yes, I am so much excited right now, and बहुत ही बड़े स्केल पे बनी है, and हमारा होम प्रोडक्शन है, and सबने बहुत मेहनत की है, and I'm just so eagerly waiting to just see it on the big screen right now. Thank you so much. Please देखना, मुझे पता है आप सब बहुत excited हो, हमसे भी कहीं ज़्यादा, बहुत मेहनत की है, and I know you're gonna love it. It's a very different concept, right? Thank you so much. What do you want me to say? I haven't watched the trailer. Yes. Well, I've known Siddharth for many, many years now, and he's a very dear friend, and it was my duty to help him in whatever way as far as this show was concerned, and I'm happy now to see it being launched after so much of hard work and effort. Yeah. Thank you. I love the trailer. I think it
it really show. I felt I could see the essence of the show in the trailer, and it's a show with so many stories and so much happening, so it's not easy to cut a trailer like for a show like this. And I think we get a little glimpse of pretty much a lot of it, but there's much more. I mean. I can't reveal much, but I can say Fetish Girl is also one of the contestants on the app Escape Live, which we show in the show. And it's a fictional character. It's a character about she's on this app for her own reasons, and I really can't say much. For that, you have to watch the show. But it's a very layered character. There's a lot to her that we see, a lot more to her that we see than just in the trailers. Yeah, of course, there's a message, please watch the show. And I've seen a little bit of it and I've really enjoyed it. I think it's very, very gripping, and it's something you haven't seen in a long time. So yeah, or maybe ever. So please watch. Thank you. क्या हाल है भाई? सब एक साथ ही ना? यार ट्रेलर नहीं था, पूरा एपिसोड देखा था हमने, और सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन जो हमारे साथ का है, मतलब सुमेध, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही किलर है, डार्की उसने प्ले किया है, और आई थिंक मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिंग लगा वो कैरेक्टर। और ओवरऑल अगर मैं एपिसोड की बात करूँ तो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब आपके लिए अभी आने वाला है 12 बजे के बाद, बट अगर आप देखोगे तो आप यही बोलोगे यार क्या बना है। मतलब जिस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस हैं अभी अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया, उसी के ऊपर पूरा का पूरा शो है। और ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो टीवी पर आया नहीं है कोई, मतलब वैसा कुछ नहीं है जो हम अभी तक ड्रामा, थ्रिलर, क्राइम बेस्ड या फिर कुछ अलग जो अभी सीरीज चल रही है, ये सोशल मीडिया के ऊपर है और बिल्कुल डिफरेंट है। और एसकेटी सर का डायरेक्शन, मतलब चुम्मेश्वरी। आई थिंक सिद्धार्थ सर ने बिल्कुल जो सोसाइटी की मिरर इमेज है वो रेप्लिकेट की है, और इससे तो आई थिंक बिकॉज हम स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, तो इसे खुद हमारे सामने बनते हुए देखा है। करेक्ट। सुना है कैसे बन रहा है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका मेकिंग भी आप देखोगे तो। एंड हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट जैसे इन्होंने कहा डार्की है, अपना भाई सुमेध। अपना भाई सुमेध बंटा है। सो आई थिंक डार्की एक ऐसा कैरेक्टर है हर एक्टर के लिए, एक ड्रीम कैरेक्टर जैसे Correct. भी है, बिकॉज लिमिटेशंस कुछ नहीं है, और आपको भी बहुत मजा आएगा डार्की को देखकर। ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहेंगे कि अभी हम बहुत कुछ बोल करके आपका सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहते हैं। 12 बजे के बाद ये हॉटस्टार पे लाइव हो चुका है, तो कल आप ज़रूर देखना एस्केप लाइव, एसकेटी सर का काम डायरेक्शन वाइज, क्योंकि वो हम मतलब स्वास्तिक मतलब हमारे लिए फैमिली की तरह है, और ये शो भी हमारा ही शो है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब देखिए और फिर बताइए हमें आपको कैसा लगा। और मुझे मज़ा आएगा, सो 100% आपको मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
usual. Bye, bye, usual. Thank you, sir. भाई एक मिनट, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कैसे? कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूँ, अब आता हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत पसंद आया। यू नो, कभी कभी कभार आप काम देखने आते हैं जो आपको एक्चुअली जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों ने बनाया होता है और आप ऑलरेडी यू आर बायस टूवर्ड्स देम, यू लव देम। सो दिस इज मेड बाय सिद्धार्थ कुमार तिवारी, हु इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। इट्स ऑन हॉटस्टार, इट्स अ प्लेटफॉर्म आई हैव स्पेंट ऑल माय इनिशियल इयर्स ऑफ टेलीविजन ऑन, एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इट। इट्स गॉट आलिक, हु इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। इट्स गॉट सिद्धार्थ, समवन आई रियली लाइक, एंड आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट एप। एंड मुझे लगता है जो भी देखेगा उसे ये शो बड़ा पसंद आएगा। नकुल भाई एक मिनट, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कैसे? कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूँ, अब आता हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
बहुत पसंद आया. यू नो कभी कभी कभार आप काम देखने आते हैं जो आपको एक्चुअली जज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दोस्तों ने बनाया होता है और आप ऑलरेडी यू आर बायस टूवर्ड्स देम, यू लव देम. सो दिस इज़ मेड बाय सिद्धार्थ कुमार तिवारी हु इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. इट्स ऑन हॉटस्टार, इट्स अ प्लेटफॉर्म आई हैव स्पेंट ऑल माई इनिशियल ईयर्स ऑफ टेलीविजन ऑन एंड इट्स गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इट. इट्स गॉट आलिक हु इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. इट्स गॉट सिद्धार्थ, समवन आई रियली लाइक एंड आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट स्टेप. एंड मुझे लगता है जो भी देखेगा उसे ये शो बड़ा पसंद आएगा.